तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली है प्रोफेशनल स्मूथिंग के ऊपर। सर, जैसे कि हम काफ़ी वीडियो देखते हैं यूट्यूब में या इंस्टाग्राम की रील पे या कहीं भी अदर प्लेटफॉर्म पे, जिस तरीके की वहाँ पे साउंड आती है स्ट्रीमिंग पैटर्न की, सर हमसे ना वैसी नहीं आती। और सर, हमें तो स्ट्रीमिंग पैटर्न ही प्ले करनी नहीं आती, तो हम प्रोफेशनल कैसे बनेंगे? बनोगे, बट आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आपको स्टेप ही नहीं पता, फॉलो ही नहीं करते स्टेप्स को। सबसे पहले आप क्या करते हो कि मुझे ना 10th क्लास में डाल दो, ना अपने UKG पढ़ी, ना LKG, ना जो भी हमारी क्लासेस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, व्हाटएवर, जो भी हमारी क्लासेस हो, भाई पहले पहली सीढ़ी चढ़ोगे ना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आप क्या करते हो, पहले ही 10वीं सीढ़ी पे पैर रखने की कोशिश करते हो। ऐसे नहीं होता, आपको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। जब तक आपको रूल एंड फॉलो नहीं पता होंगे ना, ए से लेकर जेड तक, तब तक आप मेरे भाई स्ट्रीमिंग पैटर्न प्ले ही नहीं कर सकते। प्रोफेशनल की तो बहुत दूर की बात, आप बिगनर्स लेवल पे प्ले नहीं कर सकते। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको स्टेप ही नहीं पता। स्टेप कैसे पता चलेंगे? क्योंकि आप वीडियो को पूरी नहीं देखोगे, आप यहीं से छोड़ के भागोगे बीच में, इस वजह से आपको स्ट्रीमिंग पैटर्न नहीं आती। मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा प्रोफेशनल एंड स्मूथिंग के ऊपर। आज का हमारा लेसन है किस तरीके से हम स्ट्रीमिंग को स्मूथिंग लाए स्ट्रीमिंग के अंदर। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बढ़ते वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, एंड मैं आपको हमेशा से बताता हूँ मेरे भाई, पहले स्टेप क्या है हमारा, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको देखने के बाद ये वीडियो देखना। हाँ, देख लो ये वाली, एंड ये बहुत आपके काम आएगी फ्यूचर में। ऊपर आई बटन में लिंक डाल दिया, एक मिनट, उसमें मैंने ऐसा क्या बताया जो कि ऊपर आई बटन में लिंक डाल दिया? उसमें मैंने आपको बताया हैंड की पोजिशन, पिक पकड़ने की पोजीशन बताई है मैंने उस वीडियो में, आपको स्ट्रीमिंग करने के रूल एंड फॉलो बताए हैं, एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा फ्लो किस तरीके से आता है स्ट्रीमिंग पैटर्न में। सबसे पहले आप ना एक स्ट्रीमिंग पैटर्न पकड़िए, एंड उस पर हमेशा वर्क करिए, एक ही स्ट्रीमिंग पैटर्न पे। आप क्या करते हो कि एक स्ट्रीमिंग पैटर्न ली, फिर आप 5 मिनट बाद फिर दूसरी प्ले करने लग गए, फिर 10 मिनट बाद फिर तीसरी प्ले करने लग गए। नहीं, इस चक्कर में आप स्ट्रीमिंग पैटर्न में फंसते हो। जब भी आपकी वो जो प्रोफेशनल, वो जो स्मूथिंग आती है ना स्ट्रीमिंग पैटर्न में, वो नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि आप यही गलती करते हो। सबसे पहले आपको एक स्ट्रीमिंग पैटर्न प्ले करनी है, कोई सी भी निकालो, लेकिन उसी पे वर्क करना हमेशा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम 8th में हैं, या हमारे 10th में, 12th में, जिस भी कोई सी भी क्लास मान लो, हमें हमारी कंपार्टमेंट कब आती है, जब हम उस पर अच्छे से वर्क नहीं करते। हमने 8वीं में ना ढंग से ही नहीं पढ़ा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कंपार्टमेंट दे देते ताकि आप 9th में ना जाओ, ठीक है? तो आपने जब 8th में ढंग से पढ़ोगे, जब भी आप अगले स्टेप में जाओगे 9th में, तभी जाओगे। आप क्या करते हो कि 8th में चल इधर से देगा उधर से देगा, चलो भाई जयराम जी की, नहीं ऐसे नहीं होता। अपने जो स्टेप है उसको क्लियर लेके चलो। जैसे कि हमारी कोई भी स्ट्रीमिंग पैटर्न है, कोई सी भी आपके हाथ में फिट है, या जो भी आपका मन करता है करने का, वो ले लीजिए। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक स्ट्रीमिंग पैटर्न, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब ये है, बहुत सारे लोग इसको प्ले करते हैं, वो जो साउंड आती है वो बहुत गंदी है, आपकी में बहुत अच्छी आती है। ऐसा क्यों? आपका गिटार कौन सा है, आपका माइक कौन सा है? भाई ऐसे नहीं होता। आपको जो सुन रहे हो ना, वो एक्चुअल में, वो आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करोगे ना, तो भी वैसे ही साउंड आएगी। कोई माइक और कोई गिटार का खेल नहीं है, बट उसको प्ले करने का तरीका। एक स्ट्रीमिंग पैटर्न लीजिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर हमारी स्ट्रीमिंग पैटर्न है। अब इसको क्या करना है, इस पे वर्क करना है अपने दिन रात, जब भी लेके बैठो ना, जब भी इस स्ट्रीमिंग पैटर्न को करो। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें ट्रिक क्या है, इसे खटका दबाया और आपकी ट्रिक चालू, अब मैं कहूँगा प्ले करो, ये ट्रिक है ही नहीं, ये मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ ये? अब इससे बैकएंड से देखोगे तो ये खाली प्रैक्टिस है, इसमें ट्रिक, टिप्स, स्टेप्स कुछ नहीं होता। हकीकत बात बता रहा हूँ, लोग बोल देते हैं, मैं भी बोल देता हूँ, इसमें ये ट्रिक लग रही है, इसमें वो ट्रिक लग रही है, मैं अपने टाइटल में लिख देता हूँ, लेकिन उस वीडियो में ट्रिक नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल में ट्रिक नहीं होती। ट्रिक तो है कहाँ, बस खाली ट्रिक है ना, जो वो वर्ड है, इससे दुनिया में कहीं भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती कि ये ट्रिक है। खाली आपको तरीका पता होना चाहिए कि ये चल कैसे रहा है। खाली टाइम है, टाइम जो मैनेजमेंट है ना, वो किसी के बस की नहीं है करनी। एक चीज पे रुके रहना, वो है ही नहीं किसी पे बस की, किसी के भी बस की नहीं है वो। रेड लाइट पे रुकना, और जब तक आपकी रेड लाइट, जैसे 3, 2, 1, आप 3 पे ही ना, आपकी गाड़ी ना वहां पे चली जाती है रोड के बीच में, वो होती है हमारी टाइम की लिमिट।
अगर वो चीज आपने कर ली, जैसे ही अपनी रेड लाइट होती है 3, 2, 1, जैसे ही ग्रीन हुई वैसे ही आपको रेस देनी है। लोग क्या करते हैं, 3 पे ही रेस देते थे, 3 पे, फिर 2 पे ओढ़ते, फिर 1 पे ओढ़ते, और फिर जैसी होगी फिर तो भगाते ही चले जाते हैं। वो चीज़ गलत है, जब ग्रीन होए तब स्पीड दो, अदरवाइज नहीं। यही गलती आप गिटार में करते हो, एग्जाम्पल दिया मैंने रेड लाइट का, यही गलती आप गिटार में करते हो। हमेशा एक चीज़ पर रुकने की प्रैक्टिस करो, हमेशा। अगर आपकी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही ना, तो दूसरी कैसे हो जाएगी, मुझे बताओ। जब आपकी वाली स्ट्रमिंग पैटर्न क्लियर नहीं हो रही तो दूसरी कैसे हो जाएगी, मुझे इस चीज़ का आंसर दे दो। कोई भी ट्रिक एंड टिप्स नहीं है, कोई भी खटका नहीं है, कोई भी स्विच नहीं है, इसको दबाया चल भाई चालू, ऐसे कोई ये लाइट नहीं है कि खटका दबाया चालू, पंखा नहीं है खटका दबाया पंखा चालू, बंद करा तो बंद हो गया। खाली इस खाली आपका इसमें क्या है, इसमें है आपका खाली टाइम। जितनी टाइम दोगे इसमें, ट्रिक में आपको क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने लिख दिया टाइटल में ये है, नहीं है यार। आपको क्या, मैं हमेशा से बोलता हूँ आपको, फ्लो, फ्लो क्या है प्रोफेशनल स्ट्रमिंग का, फ्लो क्या है, जितना स्लो चलोगे उतनी ही डेप्थ में जाओगे स्ट्रमिंग पैटर्न की। मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता वो चीज, अब मैंने कर दी कि इसमें फ्लो है। आप क्या हुए, तो सर सबकी सब वीडियो में बता देते हैं इसमें फ्लो कहाँ है, ये तो हर कोई प्ले कर लेता है, ये तो मैं भी कर लेता हूँ, बट साउंड नहीं आती। भाई फ्लो ना, मैं आपको वीडियो में नहीं बता, दिखेगा ही नहीं वो वीडियो में, वो इसके अंदर है, वो भी 6 साल 7 साल प्रैक्टिस अब भी चल रही है मेरी, 7 साल हो गए गिटार प्ले करते हो, अब भी प्रैक्टिस चल रही है मेरी। स्ट्रमिंग पैटर्न स्मूथ कैसे हुई मेरी, कभी मैंने रेगुलरिटी नहीं छोड़ी अपनी। आप क्या करते हो, 1 घंटे प्रैक्टिस करी दीवार पर टांग दिया 3 महीने के लिए, फिर 4th महीने उठाया फिर प्रैक्टिस करी फिर टांग दिया। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, जो टाइम देगा वो प्रोफेशनल है, ठीक है। जितना स्लो जाओगे उतनी डेप्थ में जाओगे डाउन। अब लोग क्या करेंगे, ऐसे धवड़ धवड़ नहीं बजाना, सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। जब बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, जब आपका हाथ रेगुलर एक ही चीज पे चलेगा तो उसमें स्मूथनेस आती है। ये बात अभी रिपीट कर लेना पीछे 10 सेकंड के लिए, फिर सुन लेना, ये डीप है, बहुत डेप्थ में है ये बात मेरी, ठीक है। मैंने क्या बोला है दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो फ्लो खुद ब खुद अपने हैंड में आएगा, आपके हैंड में खुद आएगा वो। कोई ये नहीं कहेगा कि ले भाई 100 रुपये ले और मुझे फ्लो दे दे, ये चीज नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक फ्लो भी खुद भी नहीं आएगा। कितनी ही वीडियो देख लो, कितनी ही कोचिंग ले लो, आप ऑफलाइन ट्यूशन ले लो, कहीं भी जाके क्लासेस ले लो, कुछ भी नहीं होगा आपका जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। कोई फ्लो नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है। जो प्रैक्टिस करेगा वो प्रोफेशनल बन जाएगा एक दिन। मेरी स्ट्रमिंग कैसे, मेरी साउंड इतनी प्यारी क्यों आ रही है, इतनी क्लियर क्यों आ रही है, खाली मैंने प्रैक्टिस करी है और कुछ भी नहीं करा। ये बहुत जगह आपको मिल जाएगा टिप्स ट्रिक स्टेप्स, फटावर फटावर बटावर बटावर बटावर, कुछ भी कह दो, खाली वक्त खाली टाइम। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो मेरे भाई एक दिन जरूर आगे निकल जाओगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना, ताकि मेरी वीडियोशन आपको मिलता रहा। आज के वीडियो में इतना था, मैं मिलता आपको अगली वीडियो में।